सिमरिया तहसीलदार और एसडीएम को हटाने के लिए विगत एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरने का जहां क्षेत्र के लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है, वहीं समाज सेवी, किसान, अधिवक्ता और राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंचकर उत्साह बढ़ा रहे हैं। तहसील प्रांगण के सामने चल रहे क्रमिक अनशन स्थल पर सिमरिया विधानसभा से प्रत्याशी रहे पंकज पटेल पहुंचे और अपना समर्थन देते हुए कहा कि सिमरिया विधानसभा के कर्मचारी जनता के सेवक नहीं बल्कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। वहीं किसान नेता के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की जानकारी तहसीलदार को देने पर उनके साथ की गई अभद्रता और उल्टा मामला दर्ज कराने की भी स्थानीय लोगों ने घोर निंदा की है। आइए सुनाते कांग्रेसी नेता प्रदीप सोहगौरा, पंकज सिंह और किसान नेता के साथ अन्य लोगों ने क्या कहा है। एक बयान जारी हो रहा है अनुपम पांडे द्वारा कि कहीं आपका कोई प्लांट है वहाँ डाइवर्सन की कोई फाइल लगाए हैं आप, तो क्या आपका प्लांट कोई आता है? ना मेरा कोई प्लांट है, ना मैंने कोई डाइवर्सन की अर्जी दी है। ये उसके दिमाग का फितूर है, दिमाग की उपज है। ना आज तक तहसील में मेरा कोई प्रकरण चल रहा है, ना किसी सिविल कोर्ट में मेरा कोई प्रकरण चल रहा है। जब मैंने कोई आवेदन ही नहीं दिया तो वो कैसे कह सकता है कि इनको इनका डाइवर्सन का आवेदन है, मैंने नहीं किया। डाइवर्सन के बारे में तहसीलदार होते हुए उसको कानून का पता नहीं है कि ऑनलाइन पैसा जमा होता है, वो डाइवर्सन होता है। तो पहले वो पता कर ले कि किसकी ज़मीन है, कहाँ पर है, क्या लगा है। मेरा तो नहीं, ना मुझे कोई नोटिस मिली है। यदि मिलेगी तो मेरा यही जवाब है कि मेरा कोई प्लांट नहीं है, ना मैंने तुझे कोई आवेदन ही दिया है। तू चोरी पकड़े जाने के डर से कहता है कि मेरे खिलाफ कोई प्रमाण, एसडीएम के खिलाफ कोई प्रमाण। हम लोगों ने 100 पन्ने का ज्ञापन और 100 प्रकरण कलेक्टर के सामने दिया है, कलेक्टर के सामने पेश किया है कि एक अनुसूचित जाति के जनपद सदस्य को कालर पकड़ के कमरा बंद करके इसने पीता है। थाने में इस बात की रिपोर्ट है। ये भ्रष्ट हैं, दोनों अधिकारी चोर हैं और अपनी चोरी से बचने के लिए कुछ दल्ले जो पाल रखे हैं दो कौड़ी वाले, उनसे ये वीडियो बनवाते हैं, बयान दिलाते हैं। हर प्रकरण में यही दस्तखत करते हैं, हर प्रकरण में यही दलाल सामने आते हैं। तो ये वही दलाल हैं जो जनता से पैसा लूटते हैं और इसके पास इसके गगरी में सुबह जाके पैसा डाल आते हैं। एसडीएम के पांडे ने जो अभद्रता का व्यवहार किया, हमारा भारतीय किसान यूनियन का ज्ञापन फाड़ा, अल्टीमेशन, उसके सम्मान के लिए हमने केवल इस बात को कि आज सुबह जो है अनुपम पांडे और उनके साथियों ने हमारे ऊपर FIR दर्ज कराया। ईश्वर दीन जी और उनके सहयोगी साथी भागवत और अशोक कुशवाहा ने हमारा चैम्बर में आके जबरदस्ती हमको अपमानित किया और नियम का अनुशासन तोड़ कर घुसे। ये बात थी कि हम सरल तरीके से शांतिपूर्वक ज्ञापन, बार बार ज्ञापन को मना कर रहे थे, हम नहीं लेंगे, तुमको कलेक्टर के यहाँ चले जाओ, SP के यहाँ चले जाओ, जो भी नेता बला लाओ हम नहीं लेंगे। तो हमने कहा ऑफिस बंद कर दो, ऑफिस बंद करो फिर न ले, नहीं ऑफिस खुली है तो लेना पड़ेगा, आज ही लेना पड़ेगा। तो हमारा कॉलर पकड़ लिया, हम भी उसका कॉलर पकड़ेगा और कॉलर पकड़ के हमने कहा कि भाई तुम शेर तो हम भी शेर हैं। और इस बात को लेके वो फिर उनके 4-6 साथी आए, भागवत तिवारी भी और अशोक कुशवाहा, हम सब लोग मिलके धीरे धीरे बाहर आए। बाहर आके हमने कहा निकलो बाहर, निपटो, जिन जैसे निपटना हो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अभी सिमरिया थाना में हम रिपोर्ट करने गए थे, कल ईश्वर दीन सिंह के साथ में ईश्वर दीन सिंह ने वहाँ जब ज्ञापन देने के लिए कहा तो वो अधिकारी त्रिवेदी और अनुपम पांडे था, बहुत तेज से बोलने लगे। तो हम कहा द्विवेदी जी से कि भाई आप अधिकारी हैं, कार्यपालिक दंडाधिकारी हैं, आप पढ़े लिखे हैं और पद में भी हैं, तो शालीनता से बोलिए। ये जो अधिकारी यहाँ आते हैं तो सब आवेश में रहते हैं क्या? वो थोड़ा ठंड हो गए, लेकिन जब ये सुना अनुपम पांडे कि ये ठंड हो गए तो दौड़ करके आए
और इनको रिश्ता दीन सिंह को अशब्द कहने लगे, कहा कि तुमको नहीं माने, तेरे को कुछ नहीं माने, कर लो जो करना हो। तो ये भी थोड़ा नफूसी जाएगी, हम भी कहा कि भाई शांत रहिए। आखिर अंत में उन्होंने इनका काला पकड़ लिया, इसके बाद हो गया बीच बचाव करते हुए और बाहर हम लोग आ गए। बाहर जब आ गए तो हम कहा कि भाई एक हमारा ये धरना चल रहा है, वो धरना के ये भी सहयोगी हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर अपमान किया जा रहा है तो ये मैंने पूरे धरना के जितने भी साथी हैं सबका अपमान है, मंच का अपमान है। और ये एक और बुरी बात अनुपम पांडे ने कहा कि यहाँ मूर्खों को यहाँ क्या समझाएं, मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता, इस तहसील के लोग मूर्ख हैं, मैंने पूरी तहसील मूर्ख है। तो हम कहा कि जब मूर्ख हैं तो मूर्खों के बीच में आप काहे को यहाँ मैंने दांत दिए हुए हैं कि हम तहसील से मरिए में रहेंगे, आपको तो विद्वानों के बीच में चला जाना चाहिए। लेकिन वो कुछ नहीं सुने, आवेश में थे, तो इसकी रिपोर्ट करने गए थे। सुना है कि हमारे लोगों के खिलाफ FIR हुई है, तो मैं मांग करता हूँ कि SP साहब स्वयं जाँच करने आएँ, सभा स्थल में आएँ, हम लोगों को देखें, हमारी अवस्था 65 साल है ये देखें, और FIR भी देखें कि क्या सिमरिया में कभी भी हमारे खिलाफ FIR है। हाँ, हाँ। कोई रिपोर्ट CCTV कैमरे से भी जांच कराई जाए कि उसमें क्या प्रदर्शन हुआ है, क्या वो मैंने चित्र बता रहा है, ये हम मांग करते हैं। और पटेल जी से भी हम निवेदन किए हैं, राज्यसभा सदस्य से, उन्होंने भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं सुनते यहाँ के TI तो हम SP से बात करेंगे, DIG से बात करेंगे, IG से बात करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का वारदात नहीं होने पाई। यही सिमरिया तहसील है, सिमरिया तहसील में जो प्रशासनिक लोग हैं ये प्रशासनिक काम कम करते हैं और ये सरंगई ज़्यादा करते हैं, और उसका ही एक नमूना कल भी देखने को मिला कि किसान भारतीय किसान यूनियन 26 तारीख को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ एक विशाल सभा करने का आयोजन किया था, जिसकी उन्होंने सूचना देने के लिए एक आवेदन लेके गए। उस आवेदन को जो यहाँ के तत्कालीन जो है तहसीलदार हैं, उस आवेदन को लिया और मोड़ के उनके सर पे फेंक दिया और हाथ मोड़ के और धक्का दे के उनको भगा दिया। मतलब इसका सीधा सीधा है, मतलब कि जो सरकार है यहाँ बिल्कुल तानाशाही पूर्ण जो है तो यहाँ बैठा के एक तरफा जो है तो शासन सत्ता जो तो करना चाह रही है। विपक्ष को जो है तो यहाँ जो है तो ना बोलने का अधिकार है, ना तो विपक्ष को जो है तो अपने हक अधिकार को लेके कोई लड़ाई करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति जो है तो ये आज की डेट में सिमरिया की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इस टाइप की है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारी लड़ाई जो है तो शासन से, हमारी लड़ाई प्रशासन के लोगों से नहीं है। तो प्रशासन जो है तो ये हमारे हम लोगों की जो धैर्य की परीक्षा ना ले, नहीं तो जेल भी कम पड़ जाएगी, यही मेरा कहना है। सहयोग से तहसीलदार और SDM बन गए तो सिमरिया में आकर दादागिरी करना शुरू कर दिए। सिमरिया की जनता भोली भाली जरूर है और मेरी आवाज जिस किसी को उनके शुभचिंतकों को जा रही हो तो कृपया करके बता भी देंगे कि भोली भाली और भोलेनाथ का मतलब ये होता है कि ये त्रिलोकीनाथ के घर है, ये किसी से डरने और डरने नहीं है। ये जिस दिन अपने मूल में आ रहे हैं और शंकर जी जैसे बरात चलेगी तो तुम्हें सिमरिया का पूरा वीरा दिवस सभी दखल कर दिया जाएगा, ये डाके के तौर पर कह रहा हूं साथियों। हमें ऐसा लग रहा है कि BJP सरकार में सिर्फ गुंडों की भर्ती हो रही है, जहां देखो जिस विभाग में देखो सिर्फ गुंडे ही मिलते। कर्मचारियों का तो चारों तरफ अकाल है, चाहे आप थाना में जाएं, चाहे राजस्व में जाएं, शिक्षा विभाग में जाएं, सब प्रभार लिए बैठे हुए। 2008 से हमारी थी सिर्फ नायब तहसीलदार गुंडा किस्म के अधिकारी आते जा रहे हैं, और खास तौर पर हमारे क्षेत्रीय जो विधायक है इनके द्वारा चुनिंदा गुंडा अधिकारी चुन के लाया जाता, जो भी गलत काम का बढ़ावा नहीं देते उनके साथ इनका तानाशाही रवैया चल रहा। इसका एक जीता जाता उदाहरण हमारे जनपद CO का है। आप सबके जानकारी में हो या ना हो, अभी जनपद CO के साथ गंभीर विवाद किया गया, जानलेवा हमला किया गया, उस पर उन्हें न्याय नहीं प्राप्त हुआ। आप सब उस न्याय से वंचित हैं, उस न्याय को प्राप्त करने के लिए हम सबको इकट्ठा संघर्ष करना होगा।